Rajnath Singh ji. Professor E.K. Ganju, forensic scientist, chief forensic scientist, and the Gujarat Forensic University Vice Chancellor, Dr. J.S. Vyas, well-known figure in this field, and D.G. Raksha Shakti Vishwavidyalaya, Sri Vikas Sahay, and the Joint Secretary M.H.A., Sri Vivek Bharadwaj, or is All India Forensic Science Conference में आए हुए विभिन्न क्षेत्रों से डेलीगेट्स मेरे भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं गुजरात विश्वविद्यालय को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद के साथ साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि गुजरात विश्वविद्यालय में इस प्रकार एक अपने ही विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला किया है और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज मेरी व्यस्तता थी, सुबह भी मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा मुझे कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का कार्यक्रम निरस्त करना पड़े। एक बड़ा ऑपरेशन इस समय जम्मू में चल रहा है जिसकी कि मैं स्वयं यहां पर बैठकर मैं उसकी पूछताछ कर रहा था, लेकिन मैंने फैसला किया कि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है और सारे देश से ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों से भी पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग लेने के लिए आए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से उसे इसमें जाना चाहिए और आप इस कार्यक्रम में मौजूद होकर मैं बेहद खुश हूं और इस बात की भी उत्सुकता थी मुझे कि मैं चल रहा हूं तो बहुत सारे हमारे फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं इन एक्सपर्ट्स के साथ भी मेरा मिलना जुलना होगा और साथ ही इनके साथ बातचीत भी होगी। हमसे भी कोई पूछे कि आप फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स को किस रूप में आप देखना चाहते हैं तो आदमी तो कल्पना करता है तो किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। तो मैं कल्पना करता हूं कि हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कैसे होने चाहिए, तो मैं कहता हूं कि जैसा कि एक टेलीविजन का टीवी सीरियल आपने देखा होगा सीआईडी और सीएसआई, तो मैं चाहता हूं कि एकदम चुटकी बजाते ही हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है एकदम बिल्कुल अपराध की क्राइम की तह तक। लेकिन इस हकीकत को भी मैं जानता हूं कि सीरियल और सिनेमा की दुनिया ही कुछ अलग होती है, ग्लैमर है एक उसका, तो वैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी हद तक वहां तक हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचने में कामयाब होंगे, ये मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। मगर एक बात जो मुझे समझ में आती है, किसी भी केस को फुल प्रूफ बनाने के लिए हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जो हम फॉरेंसिक साइंस का स्वरूप देख रहे हैं वह तकरीबन पिछले 150-200 सालों में डेवलप हुआ है। हालांकि फॉरेंसिक यह वर्ड यह शब्द और उसके कुछ तरीके सैकड़ों सालों से अपराध और न्याय की प्रक्रिया में जुड़ते और जोड़ते रहे हैं। जहां 2500 साल पहले चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मृत्यु के कारणों की वैज्ञानिक जांच कराए जाने का भी उल्लेख किया है, वहीं दक्षिण भारत में फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से व्यक्ति की पहचान करने की घटनाएं भी कई हैं जो कि जिसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है।
और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय में कुछ मामलों में जो एक्यूज्ड होते थे वो चावल के गोले खिलाए जाते थे, चावल का गोला बनाकर खिलाया जाता था और उसके बाद उनसे कहा जाता था कि उसको चावल का गोला जो तुमने मुंह में लिया है उसको बाहर निकालो, मतलब उसको उगलो। तो ये जब वह चावल का गोला खिलाया जाता था, चावल का गोला वह उगलता था, तो उसमें कम सलाइवा भी रहता था, तो मान लेते थे ये क्रिमिनल है क्योंकि इसके डर से इसके अंदर सलाइवा ज्यादा जितना पैदा होना चाहिए उतना सलाइवा पैदा नहीं हुआ। यह सरकारी और उस पर जाके सलाइवा की एनालिसिस करके उसे दोषी और निर्दोष ये बताने की एक परंपरा उस समय थी। मैं यह मानता हूं भले ही यह फुल प्रूफ तरीका न हो मगर ऐसे इसमें आप फॉरेंसिक की जड़ें देख सकते हैं कि फॉरेंसिक का काम कितना पुराना है हमारे इस देश में और इस दुनिया में। अंग्रेजों के जमाने में भारत में फॉरेंसिक्स में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई, यद्यपि भारत में फॉरेंसिक लैबोरेटरी 150 ईयर्स पहले अंग्रेजों ने ही खोली थी, मगर उनका भरोसा फॉरेंसिक से अधिक कहीं फोर्स पर था। फॉरेंसिक पर उतना भरोसा अंग्रेजों का नहीं था जितना कि फोर्स पर था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी वह अंग्रेजी मानसिकता कायम रही और नतीजा यह हुआ कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन में फॉरेंसिक से ज्यादा फोर्स पर भरोसा किया है। मगर अब तस्वीर बदल गई है और इस बदलती तस्वीर के साथ साथ फॉरेंसिक की संभावनाएं भी मैं मानता हूं कि काफी बढ़ गई हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी में हो रही प्रोग्रेस और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस और जनसंख्या में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है और संचार की जो रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है और आने जाने के नए साधनों ने आज अपराध की तस्वीर को भी काफी हद तक बदल दिया है। मैं समझता हूं इससे आप सभी अच्छी तरह सहमत होंगे। एक टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट जो हुआ है उसके कारण भी यह काफी हद तक अपराध की यह तस्वीर बदली है। एक जमाना हुआ करता था कि जब चश्मदीद की गवाही पर पूरे मामले की दिशा तय हो जाती थी, फिर चश्मदीदों ने नजर फेरनी शुरू कर दी और देखने में आया कि चश्मदीद गवाह भी अपने बयान से पलटने लगे और मुकरने लगे। इसका फायदा स्वाभाविक रूप से अपराधी उठाने और मुकदमों में उनके बेनिफिट डाउट भी कई बार मिल जाता है और अपराधी दंड पाने से भी बच जाते हैं। इसलिए आज के जमाने में चश्मदीद की गवाही से कहीं अधिक फॉरेंसिक की गवाही को ज्यादा क्रेडिबल माना जाने लगा है। हमारे देश में फॉरेंसिक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ उसका स्टैंडर्ड भी हमें मेंटेन करना होगा, साथ ही उसको लगातार अपग्रेड भी करते रहने की जरूरत है। और हमारे यहां ऐसे ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं कि मैं समझता हूं कि इस काम को करने में भी वो पूरी तरह से सफल होंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अपराध रोकने के लिए सरकार को और अधिक कड़े कानून बनाने की जरूरत है, सजा के प्रावधान को बढ़ाने की भी बात की जाती है। उन्हें लगता है कि बड़ी और कड़ी सजा के डर से अपराधी अपराध नहीं करेगा, मगर मैं मानता हूं कि अपराध रोकने में डिटेक्शन सबसे बड़ा डिटरेंट है। डिटेक्शन सबसे बड़ा डिटरेंट है। अपराधी को कड़ी सजा से नहीं बल्कि निश्चित रूप से वो पकड़ा जाएगा और वह जल्दी उसे सजा मिलेगी इस बात से ज्यादा डर लगता है। और इस काम में पुलिस की मदद सबसे अधिक यदि कोई कर सकता है तो केवल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि आने वाले दिनों में अपराध से निपटने में सबसे कारगर हथियार अगर कोई है तो वह फॉरेंसिक्स है। इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में फॉरेंसिक साइंस एक क्वालिटेटिव चेंज लाने में भी सक्षम है। मौजूदा केंद्र सरकार पर केंद्र सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है। आप लोगों को जानकारी होगी जब यह इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेंसिक साइंस से जुड़ता है तो
तो स्वाभाविक है कि संभावनाओं के एक नए द्वार खुल जाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब यह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो हमारा सुरक्षा परिदृश्य यानी सिक्योरिटी सिनेरियो यह कितना बदल जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, सीसीटीएनएस का, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जो पूरे देश में अपराध और अपराधियों का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है। और इस डेटाबेस में पुलिस कोर्ट्स के साथ साथ फोरेंसिक लैब्स को जोड़कर हम एक ऐसा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तैयार करेंगे कि अपराधी और यहां तक कि डॉन, डॉन पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, डॉन कहता है चाहे जो है दुनिया की कोई ताकत हमको पकड़ नहीं सकती, लेकिन आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के अंदर वह ताकत है कि आप ऐसे प्रमाण दे देंगे कि डॉन भी सजा पाने से बच नहीं सकता। अपराधी और यहां तक कि डॉन को पकड़ना मुश्किल और नामुमकिन न होकर काफी आसान हो जाएगा। इस पूरे आर्किटेक्चर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक नया और बड़ा आयाम जोड़ रहा है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इस पूरे आर्किटेक्चर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक नया और एक बड़ा मेजर आयाम जोड़ने का काम कर रहा है। आजकल काफी मामलों में डीएनए परीक्षण होने लगा है, इससे कन्विक्शन भी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। भारत में फोरेंसिक लैब्स में डीएनए एनालिसिस की कैपेबिलिटीज कम है, ऐसा मैं मानता हूं। इसको बढ़ाने और इसको विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में हमारी सरकार काम करेगी, मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूं, और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों में फॉरेंसिक डीएनए डेटाबेस का काफी सफलतापूर्वक उपयोग भी किया जा रहा है। भारत में एक फॉरेंसिक डीएनए डेटाबेस की जरूरत महसूस की जा रही है और मुझे जानकारी है इस पर काम भी शुरू हो गया है। अपराधियों और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच हमेशा यह होड़ रहती है कि कैसे सामने वाले को हम मात दे दें। बराबर, अपराधियों में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में हर अपराधी यह चाहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है कैसे इनको धोखा देकर कैसे उनसे आंख बचाकर निकल जाए। यहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। इस मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से ज्यादा और कोई दुनिया की दूसरी ताकत इसमें मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका सहयोग पुलिस और साथ ही साथ अन्य जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं उनको अपराधियों से बराबर एक हाथ आगे रखता है। फॉरेंसिक साइंस के सामने कई बार काफी चुनौतियां भी पेश आती हैं। यह जरूरी नहीं है कि घटना स्थल पर ही पर्याप्त सबूत हो और पूरे केवल पर्याप्त ही ना हो बल्कि बिल्कुल स्पष्ट सबूत हो, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डीएनए प्रोफाइलिंग को छोड़कर कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जो मौकाए वारदात माने जहां पर घटना घटित है मौकाए वारदात से मिले सैंपल्स को सीधे अपराधी से जोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट एक साइंटिफिक एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करती है। कई बार रिपोर्ट्स अदालतों में चैलेंज भी की जाती है। इसमें जरूरत यह महसूस की जा रही है कि तभी फॉरेंसिक लैब्स में एक जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एक जैसे एसओपी होने चाहिए ताकि अलग अलग लैब्स की रिपोर्ट में जो किसी प्रकार का कोई कंट्रडिक्शन विरोधाभास न होने पाए। इसी तरह सैंपल्स की जो चेन ऑफ कस्टडी है उसको भी अच्छी तरह मेंटेन रखने की जरूरत है। एक चुनौती पुलिस के स्तर पर भी सामने आती है जब हम देखते हैं कि जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन का काम देख रहा है वो फॉरेंसिक के बारे में अनजान है या वो थोड़ा बहुत जानता है। कई बार जानकारी न होने के कारण क्राइम सीन पर भी इतनी कदम ताल हो जाती है माने जहां पर अपराध घटित हुआ है वहां पर इतने लोगों का इतनी एजेंसी का आना जाना हो जाता है
इस सबूतों के नष्ट होने अथवा करप्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इतने लोग आए गए, किसी ने कुछ लिया, कहीं किसी ने कुछ लिया, स्वाभाविक है कि सबूतों के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है अथवा उसका करप्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, नहीं डिस्टॉर्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर पुलिस थाने में पुलिस वालों को फॉरेंसिक की बेसिक ट्रेनिंग अवश्य दी जाए और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हों उनको फॉरेंसिक्स के बारे में लगातार अपडेट और अपग्रेड करते रहने की भी जरूरत है। मैं सभी राज्यों की पुलिस फोर्सेस को इस बारे में संसाधित करने के लिए कहना चाहता हूं कि फॉरेंसिक पर कम से कम जिले स्तर पर भी चर्चा अब प्रारंभ की जानी चाहिए। जिले स्तर पर भी, जैसे आपने कार्यक्रम यहां किया है, अब जिले स्तर पर भी कार्यक्रम होने चाहिए और ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को जिले स्तर पर भी जाना चाहिए और इस फॉरेंसिक के मामले में कुछ न कुछ जानकारी देने का सिलसिला अब प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि मुझे जानकारी है कि जिले स्तर पर आपको कई ऐसे स्थान है जहां पर फॉरेंसिक के बारे में ए बी सी डी जानने वाला एक व्यक्ति भी है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, आज के टेक्नोलॉजिकल एज में जहां साइबर स्पेस का नया डायमेंशन जुड़ चुका है, वहीं अपराध का स्वरूप काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है। साइबर स्पेस में पुलिसिंग के परंपरागत तरीके ही काफी नहीं है, इस सच्चाई से भी हम सभी अच्छी तरह सहमत हैं। साइबर स्पेस में और साइबर स्पेस से होने वाले अपराधों को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो साइबर फॉरेंसिक्स की है, क्योंकि उसके सहयोग के बिना कोई भी सिरा या सुराग मिलना मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि साइबर फॉरेंसिक्स अपराध के बाद ही नहीं, अपराध के पहले भी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है और हमारे देश में इसके उदाहरण है। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में रेडिकलाइजेशन का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत में रेडिकलाइजेशन से निपटने में हमारे देश के साइबर एक्सपर्ट्स ने जो शानदार काम किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं उन्हें कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि बार बार मैं बधाई देना चाहता हूं। और 21वीं सदी में कई नई टेक्नोलॉजी अपने पैर पसार रही है, तरह तरह की न्यू टेक्नोलॉजी इवन हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें हम सबके सामने नई चुनौतियां लेकर आ रही हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए इसके बारे में आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को ही विचार करना है। जहां हमें चुनौतियों की गहराई और गंभीरता समझने की जरूरत है, वहीं आप जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इन चुनौतियों को अवसर में भी बदलना है, यह मैं अपील करना चाहता हूं। इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में भी कोई बदल सकता है तो आप जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बदल सकते हैं। हमें अवसर कैसे मिलेंगे इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। पिछले साल अमेरिका के बेंटनविल कस्बे में एक मर्डर हुआ। जो मारा गया उसके घर में एक पर्सनल असिस्टेंट डिवाइस लगी हुई थी जो वॉयस रिकॉग्निशन के आधार पर काम करती थी। उस एमेजॉन इको डिवाइस की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट को पुलिस ने अपराधी का पता लगाने के लिए किया और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका भी किसी की थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की थी और अपराधी का पता लग गया। आजकल सोशल मीडिया पर भी तमाम ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो भ्रामक और भड़काने वाली होती हैं। अगर ऐसे किसी मामले की तह में जाना हो तो हमें साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हम इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार का एक बार मैं भी शिकार हो गया। वैसे पॉलिटिशियंस आजकल कुछ ज्यादा शिकार होते हैं, लेकिन मैं भी केवल एक बार हुआ। किसी साइबर शरारती ने, क्षमा कीजिएगा मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, किसी साइबर शरारती ने एक हिंदी फिल्म का एक दृश्य ढूंढ निकाला और उस फ्रेम में मुझे ट्वीट कर दिया।
और उसने लिखा कि देखिए कैसे गुजरात पुलिस राजनाथ सिंह जी के चरणों में नतमस्तक है। याद है ना किसी को? अब वो फोटो ऐसी वायरल हुई कि मुझे एक जनसभा में कहना पड़ा कि भाई वो फोटो हमारी नहीं है, क्षमा करना। लेकिन अब ये बदलाव है। यहां के साइबर एक्सपर्ट्स की आपने उसको ट्रेस किया कि नहीं? नहीं कह सकता। क्यों ब्याज? मैंने पहला टेस्ट तो इसी बात पर है, यदि गुजरात की पुलिस बदनाम हो रही थी तो उस साइबर शरारती को आपने ट्रेस किया कि नहीं किया? और मैं समझता हूं देखिए निकाल कर वो कहां है और कोशिश करिए और करिए और उसको अच्छी खासी पब्लिसिटी भी मिलनी चाहिए। गुजरात पुलिस को जिस साइबर शरारती ने बदनाम किया था उसको हम लोगों ने ढूंढ निकाला। अब जम्मू और कश्मीर में कई बार भी हमने पाया है कि वहां के युवाओं को मॉर्फ पिक्चर दिखाकर बरगलाया जाता है। मॉर्फ पिक्चर बराबर वहां के नौजवानों को दिखाते हैं, वायरल की जाती है और उन्हें बरगलाते हैं। एक घटना मैं बताना चाहता हूं, म्यांमार और फिलीपींस की घटनाओं को गुजरात में हुआ है यह बताकर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की, भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। इन सबसे माहौल बिगड़ता है क्योंकि शरारती तत्वों के खिलाफ कई बार प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती, इसलिए यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं है, यह सिलसिला चल रहा है। यह सिलसिला तभी रुकेगा जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेंगे, नहीं तो नहीं रुकेगा। सोशल अनरेस्ट भी के कारण पैदा होता है। आजकल महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति समाज में सजगता और संवेदनशीलता बढ़ी है। महिलाओं के खिलाफ होने वाला यौन शोषण, बलात्कार, दहेज हत्या, छेड़छाड़, स्टॉल्किंग एंड बुलिंग के साथ साथ पोर्नोग्राफी से जुड़ी कई समस्याएं देखने में आती हैं। इन अपराधों की जड़ों तक पहुंचने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट काफी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। होम मिनिस्ट्री ने अपनी साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम लेबोरेटरी स्थापित करने का फैसला किया है। यह होम मिनिस्ट्री का फैसला है। हम एक साइबर क्राइम को रोकने के लिए महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम लेबोरेटरी स्थापित करेंगे। राज्यों को भी सिलसिले में अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने को भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। जहां तक कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात है तो कैपेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी है। आप लोग अपनी नॉलेज और स्किल को अपडेट और अपग्रेड करते रहें, यह मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। यह हमारे और देश की फॉरेंसिक प्रिपेडनेस के साथ देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद आवश्यक है। फॉरेंसिक के क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज भी काफी योगदान कर सकती हैं। फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज चलाने के साथ साथ उनको आप छात्रों के बीच लोकप्रिय बना भी सकते हैं। और मेरा यह सुझाव है कि फॉरेंसिक साइंस पाठ्यक्रमों को चलाने वाले सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ मिलकर फॉरेंसिक साइंस के लिए एक यूनिफॉर्म सिलेबस, इसमें भी आप जी सोचें क्या करना। मेरा सुझाव कि फॉरेंसिक साइंस पाठ्यक्रमों को चलाने वाले सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ मिलकर फॉरेंसिक साइंस के लिए यूनिफॉर्म सिलेबस का क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ने का समय आ गया है। सिलेबस है यह मुझे जानकारी है, फिर भी मैं ये अपील करना चाहता हूं। और फॉरेंसिक्स में मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खूब दिखाई देती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसमें है, सिर्फ अपराध रोकने में ही नहीं बल्कि डाटा सिक्योरिटी में भी साइबर फॉरेंसिक्स की एक अपनी भूमिका है। साइबर फॉरेंसिक्स का भी एक अपना रोल है। आज के जमाने में बिग डाटा का महत्व काफी बढ़ा है। कहा जाता है कि डाटा इज न्यू ऑयल,
काय पाहिजे डाटा इज न्यू है आज के जमाने में. इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में भी डाटा फॉरेंसिक्स की जरूरत पड़ रही है. मुझे विश्वास है कि ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस में आप सबको अपनी नॉलेज एक दूसरे से शेयर करने का अवसर मिलेगा और उससे आप लाभान्वित भी होंगे. जो सजेशंस यहां से निकलेंगे मैं कहूंगा वो हमारे दफ्तर तक भी पहुंचने चाहिए, यानी हमारे मंत्रालय तक पहुंचने चाहिए. मैं स्वयं देखूंगा कि आप लोगों ने जो दिशा तय की है कितनी दूरी तय की है, ये जानने की हमारी उत्सुकता बनी रहती है. और समय समय पर मैं इसकी अपने जो भी जो लोग भी मिलते हैं एक्सपर्ट्स उनसे मैं चर्चा भी करता हूं. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार देश में फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज विकसित करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है, पूरी तरह हम कमिटेड हैं. और इस सम्मेलन की थीम न्यू रिस्टार्स इन एकेडमिक्स एंड फॉरेंसिक साइंस बेहद प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सम्मेलन फॉरेंसिक शिक्षाविद एवं प्रयोगशालाओं की प्रख्यात साइंटिफिक कम्युनिटी का एक समागम है. मुझे उम्मीद है 24th ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस मौजूदा परिस्थितियों में फॉरेंसिक की संभावनाओं और विकास पर गहरा चिंतन करेगी. मैं आश्वस्त हूं यहां चलने वाले सारे सेशंस काफी फ्रूटफुल रहेंगे जो भी सेशंस यहां चलेंगे. और इस कॉन्फ्रेंस की सफलता की कामना के साथ साथ मैं अब अपना निवेदन समाप्त करता हूं. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस सम्मेलन की सफलता के लिए पुनः मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं. धन्यवाद माननीय गृहमंत्री जी. फॉरेंसिक साइंस के जरिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों की जानकारी आपने दी, साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की महत्ता को भी उजागर किया. उपस्थित सभी प्रतिनिधि और सहभागियों को आपके इस बहुमूल्य वक्तव्य से सुंदर मार्गदर्शन मिला है. अपनी व्यस्तता के बीच समुचित उपस्थिति के लिए आपका आभार. एक सुझाव की मैं यहां चर्चा करना चाहता हूं. अभी हमारे प्रोफेसर हिमांशु पंडे जी हैं, मैं बैठा हुआ था उसी समय उसकी चर्चा कर रहे थे. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की काउंसिल होती है, जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं अथवा उनकी मेडिकल काउंसिल होती है, वैसे फॉरेंसिक काउंसिल भी हमारी होनी चाहिए. मैं चाहूंगा कि इस संबंध में भी आप लोग और मुझे ये आइडिया उनकी प्रोफेसर हिमांशु पांड्या की बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि इस कॉन्फ्रेंस से बेहतर और कोई दूसरा आकेदन नहीं हो सकता जबकि मैं इसकी घोषणा करूं. तो आप लोग उस पर विचार करिए और फिर मुझे बताइए. धन्यवाद आपकी समयोचित उपस्थिति के लिए. गुजरात विश्वविद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज. Thank you, Angita. It's really my proud privilege to propose vote of thanks as organizing secretary of 24th AFSC at Ahmedabad. Friends, it is often believed as an adage in discipline of forensic science that the absence of evidence is not the evidence of absence. Hence, as we propose to commence our programs at 24th AFSC here, we cannot proceed further without first expressing our gratitude to all those who are present and have evidently made this event possible. This conference assumes great significance as for the first time two universities are jointly hosting this coveted national conference. I am delighted to share with you that this wonderful city of Ahmedabad and the pride of Gujarat has earned rare distinction of hosting the All India Forensic Science Conference for the third time. Let us give a big round of applause. Two times it was conducted under the